Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. बाइबल कह रही जब पवित्र आत्मा आया पहली चीज उनके अंदर क्या आया अन्य भाषा आमेन यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो ये एक चिन्ह है आप बिलीवर नहीं हो आपके पास्टर ने क्या सिखाया वो इंपॉर्टेंस नहीं है पर बाइबल क्या कहती है वो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंस है ये वर्ल्ड में सो मेनी चर्चेस है सो मेनी डॉक्ट्रिन्स है अलग अलग प्रकार की थ्योरीज है अलग अलग प्रकार की डॉक्ट्रिन्स है पर एक रियल डॉक्ट्रिन क्या है बाइबल यदि बाइबल में है तो हमें फॉलो करना है आमेन और खुदा खुदाबंद ने मुझे एक चीज बताया था कि मेरे लोग आज इसलिए बीमार है क्योंकि वो अन्य भाषा नहीं बोलते इसलिए वो पावरलेस है आज पावरलेस समझते हो देयर इज नो पावर ऑफ गॉड इन देयर लाइफ कोई पावर आज एविडेंट नहीं उनके लाइफ में क्योंकि एक ही प्रेयर आपको अपग्रेड करता है महिमा से महिमा में वो अन्य भाषा का है Amen. इसलिए पौल बोलता है आई थैंक माई गॉड बोलता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में क्या करता हूँ प्रार्थना करता हूँ सबसे ज्यादा तो जो ज्यादा यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे इब्रानी के शब्द में पढ़ोगे तो बोलता है मेरा जो अन्य भाषा का जो लेवल का जो ग्रेड है वो बहुत आगे बढ़ चुका है Amen. क्रंथियों की चर्च यदि आप देखोगे कमती में 6,000 और लोग उस जगह में थे 6,000 लोग बोलता तभी भी वो पास्टर्स को भी चैलेंज दे रहा है वहां के कि मैं तुम सबसे ज्यादा क्या करता हूँ अन्य भाषा में प्रे करता हूँ और ये वही पौलुस है जिसके पास ज्यादा प्रकाशन से वर्ड ऑफ गॉड का जिसने ज्यादा इफेक्टिव मिनिस्ट्री किया जिसने वर्ल्ड को हिला दिया हालेलुया कुछ सीक्रेट्स है जो बिलीवर्स को अपग्रेड करता है उसमें से एक वेपन है अन्य भाषा आमेन तो मैं बिलीव करता हूं जब आप अन्य भाषा में प्रे करोगे कुछ होना शुरू होगा हालेलुया बाइबल इस प्रकार कहती है बाइबल कहती है जब जकरिया आत्मा से भर गया वो भविष्यवाणी करने लगा कितने लोग आत्मा से भरते पर वो कुछ नहीं आपको समझ आ रही है आत्मा से भरने का मतलब नहीं कि आप रोलिंग कर रहे हो वो भी एक है मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं रोना वो भी एक चीज है पर एक रियल प्रोफेसी जब आप आत्मा में भरते हो आपके अंदर से प्रोफेसी निकलती है Amen. बाबा कहते हैं जोएल नबी को परमेश्वर का दास जो प्रॉफिट है वो बोलता है अंत के दिन में इन द लास्ट डेज बोलता है परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या करेगा उंडेलेगा और सन्स एंड डॉटर तेरे सन्स एंड डॉटर क्या करेंगे प्रोफेसी करेंगे तो आत्मा आने का मतलब क्या है भविष्यवाणी करना Amen. पर आज अब बड़ा रेयर है जो हम चर्च में देखते हैं प्रोफेसी होती है बड़ा रेयर बाबा कहते हैं भविष्यवाणी चर्च की उन्नति करता है तो एक चर्च उन्नति क्यों नहीं पा रहा है चर्च क्यों नहीं बढ़ रहा है चर्च के जो बिलीवर्स मैच्योर क्यों नहीं है क्योंकि प्रोफेसी नहीं है क्योंकि भविष्यवाणी नहीं है आमेन कोई भी चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हो हमें सबको लेके जाना है आमेन तो मैं चाहता हूं हर एक जन एक प्रेसियस वर्ड को सुनने से पहले एक पावरफुल रेवलेशन को सुनने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और अन्य अन्य भाषा में प्रे करें यदि आपको अन्य भाषा नहीं आता है आज खुदा से मांगे फादर इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड अपने गिफ्ट्स तेरे बच्चों के ऊपर इम्पार्ट कर जिनको अन्य भाषा नहीं आता तेरे बच्चे आज रिसीव करे अन्य भाषा की वरदान को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कारो सहाक रहा दे ही जरारी मांटी ला रबो शक्रा दे सहाक रहा हे अबो शदे जिक्रान दो सहाक रहा दे ही मांटी ला रबो शक्रा दे जहाक रहा दहा मेरा कौन दहा ग्रहे जे जेरबो सहाक रहा दे ही मांटू ला रबो सहाक रहा दे ही थैंक यू लॉर्ड जीसस 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 आपकी महिमा हमारे ऊपर बढ़ना शुरू करे लॉर्ड री खान दोस्त हाक रहा दे हो या नाना रीदा नामा शाक्रा दे जा हे हे ना 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 रीदा बुशा प्रदे ये हे या जीरा नामो शब्रदे जनने जाक्रीदा नमाशे मांटीला रबो शब्रदे जहाक रहा दहे आया 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 आया
परमेश्वर कहता है कि आप अपने विल से इस जगह में नहीं आए हो। यस, वो आपको कुछ बनाना चाहता है। आमेन। वो आपको कुछ बनाना चाहता है। ये जगह आपको बनाएगा, ये प्लेस आपको बनाएगा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यदि आप बाइबल पढ़ते हो, यीशु मसीह जंगल के अंदर गए, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए और बाइबल कहती है वो बदलना शुरू हो गए, वो महिमा से महिमा में बदलने लगे। एक प्लेस होता है जहां पे आप बदलते हो, एक प्लेस होता है जहां पे आप अपग्रेड होते हो। ये वो प्लेस है, ये वो जगह है जहां पे आप बदलोगे। यदि आप गरीब हो, आप अमीर हो जाओगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। यदि आप बीमार हो, आप चंगे हो जाओगे। यदि आपके हालात बेकार है, वो बदलने जा रहे। ये जगह में पहाड़ मैदान बनेंगे, तूफान शांत होंगे। परमेश्वर आपको बनाएगा ये जगह में इन द नेम ऑफ जीसस। एक दूसरे को बोलो आप कैसे हो, बात करें एक दूसरे से, आप कैसे हो, हालेलुया। और हंसे, हर एक जन हंसना शुरू करे, हंसना शुरू करे। आमेन। पॉल बोलता है वो जेल में लिख के लेटर लिखता है, मैं फिर से कहता हूँ तुम आनंदित रहो। जेल के अंदर पेट के क्या कर रहा है, वो लेटर्स को लिख रहा है कि मैं कहता हूँ तुम क्या हो जाओ, आनंदित हो जाओ। और फिर से पास्टर जी आपको पता नहीं है मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भागेगा जब आप खुश रहोगे। आमेन। मैं ऑनलाइन चर्च में सिखा रहा था, वचन क्यों काम नहीं करता, क्योंकि आपके अंदर टेंशन है। क्या है बाबा की थी, हमारी जो टेंशन्स, हमारी जो वरी है चीजों के प्रति, वो वचन को दबा देती है, इन द सेंस वो पैरालाइज्ड करती है। तो परमेश्वर की वचन को पैरालाइज्ड कौन कर रहा आज, हमारे टेंशन्स। दैट्स व्हाई जीसस सेड कि हर वो लोग जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, नहीं मैं तुम्हें टेंशन दूंगा, बोले मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू पीस एंड रेस्ट। Amen? तो प्रभु के घर में, उसकी हजूरी में रेस्ट है। Amen? यदि आप बर्डन से भी आए हो ना, बर्डन खत्म हो जाएगा। पीटर में बोलता है कि अपना सारे बर्डन को क्या कर, मेरे पर लाद दे, क्योंकि यहोवा क्या करता है, केयर करता है तेरा। तो यदि आप टेंशन को लेके चल रहे हो, वो आपकी आपकी हैबिट है, आपने खुद पकड़ के बैठे हुए हो। पर परमेश्वर चाहता है कि सब चीज क्या कर दो, उसके ऊपर सौंप दो, वो सब चीज क्या कर देगा, ठीक कर देगा। आमेन। जब तक आप ये प्रॉब्लम्स को उसको नहीं दोगे, प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है ना, अपने पास मत रखो, इसको कुछ के दो, परमेश्वर को दो। आमेन। जब आप दोगे, परमेश्वर आपके प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, खत्म करेगा। आमेन। तो हर एक जन खुश रहे प्रभु में, ये परमेश्वर की इच्छा है। बाबा कहते एनी टाइम तुम धन्यवाद देते रहो, बोला तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आए धन्यवादी का। आमेन। चाहे कुछ भी हो, चाहे बुरे हो, चाहे अच्छे हो, चाहे आपके पास पैसे हैं, चाहे नहीं है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप नहीं हो, यदि आप चंगे हो, यदि आप खुश हो, कुछ भी हो, एनी टाइम खुदा का धन्यवाद दे। क्योंकि जब आप धन्यवाद ही देते हो, परमेश्वर के नजरों में वो बलिदान है। और बाइबल कहते धन्यवाद देने के बाद आप मल्टीप्लाई को देखोगे। आपको पता है यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को क्या किया, लिया और धन्यवाद किया, और उसके बाद क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। आमेन। तो आपका धन्यवाद देना मल्टीप्लाई करेगा उन ब्लेसिंग्स को, उन बरकतों को जो आपके लाइफ में है। हालेलुया। एक वर्ड हम निकालेंगे, Genesis 1:1, उत्पत्ति 1:1, जल्दी से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आदि में परमेश्वर ने, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश का मतलब स्वर्ग और पृथ्वी के क्या बनी, सृष्टि किया। आमेन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं, बोलते आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के क्या की, सृष्टि की। यदि परमेश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की, तो उससे पहले परमेश्वर कहा था। आमेन। कौन आज रेडी है, मैं आपको सिखाऊंगा वेयर इज योर गॉड,
कहां पे परमेश्वर है और कहां पे वो रहता है। कितने लोग सोचते परमेश्वर हेवन में रहता है, आया बो शाकड़ा दे, नो। आपके बाइबल से मैं प्रूव करूंगा, आमेन। बाइबल से मैं आपको प्रूव करूंगा, परमेश्वर का थ्रोन हेवन है। परमेश्वर का क्या है वो थ्रोन। पर आज मैं कुछ कहूंगा, परमेश्वर एक्चुअल में कहां पे रहता है, कहूंगा मेरी बातें समझे। तो बाइबल कहते इन द बिगिनिंग, शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और पृथ्वी बनाया। यदि उसने स्वर्ग बनाया तो उससे पहले कहां था वो? परमेश्वर ने कब एंजल्स को बनाया? बाइबल में आपको कभी नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कब माउंटेन्स को बनाया? परमेश्वर ने कब नदी नाला को बनाया? आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। आमेन। आपको बाइबल में कभी नहीं मिलेगा परमेश्वर ने बोला है कि उसने एंजल्स को बनाया। नहीं, कौन कौन रेडी है? आज एक डीप वर्ड होगा जो आपको आत्मा में बढ़ाएगा। हालेलुया। मारूस तहाक रहा देहे। हालेलुया। आप रेडी हो? आप रेडी हो? यस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कौन कौन रेडी आज? मेरे पास सो मेनी वर्सेस है, मैं बिलीव करूंगा आज परमेश्वर चंगाई करेगा, छुटकारा करेगा, हीलिंग करेगा। आमेन। हालेलुया। एक वर्ड को हम निकालेंगे, भजन सीता 139 का 139 का 7 वर्स। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कितना कितना 139 का 7 वर्स। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरे आत्मा से भागकर बोला है, ये दाऊद बोलता है, मैं कहां पे भागू खुदा? तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? हाँ, या तेरे सामने से किधर भागूं? बोले मैं कहां पे जाऊं, तेरे सामने से मैं किधर भागूं? आमेन। आगे, यदि मैं आकाश में चढ़ूं, यदि मैं हेवन में जाऊं, तो तू वहां है, तू वहां पे है। यदि मैं अपना बिछौना, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, अधोलोक में बिछाऊं मतलब नरक में जाओ, तभी भी तू वहां है। वाओ, आया बाश। आपको समझ आ रही है? बाइबल के दिए, चाहे आप स्वर्ग में जाओ, चाहे आप पृथ्वी के नीचे जाओ, नरक में जाओ, दाऊद बोलता है मैंने परमेश्वर को पाया वहां पे। कहूंगा मेरी बात समझे, परमेश्वर हर जगह है। आप परमेश्वर के लिए घर बना नहीं सकते हो। हेवन भी छोटा पड़ जाएगा मेरे भाई बहनों, हेवन भी छोटा पड़ जाएगा परमेश्वर के लिए। बोलता है यदि मैं स्वर्ग में जाऊं तू वहां पे है, यदि मैं नरक में जाऊं तू जो पाताल है, यदि आप इसको हिंदी में बढ़ोगे, इंग्लिश में बढ़ोगे, इसको बोलते हैं हेल, नरक। यदि मैं नरक में जाऊं तू भी वहां पे, इसका मतलब परमेश्वर का हजूरी हर जगह है। इवन नरक में भी आपको परमेश्वर की हजूरी मिलेगा। आमेन। कहूंगा मेरी बात समझ रहे। पहली चीज जब मैंने बाइबल को पढ़ा, उत्पत्ति 1:1, परमेश्वर कहता है मैंने शुरुआत में पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, तो मेरे अंदर क्वेश्चन आया, तो उससे पहले प्रभु आप कहां थे? लोग तो हमें सिखाते हैं आप कहां पे रहते हो, हेवन में रहते हो, पर बाइबल कहती है शुरुआत में उसने क्या किया, हेवन को बनाया, उसके बाद अर्थ को बनाया। आमेन। जैसे कि हमने क्या बोला कि हम यहां पर रहते थे, आमेन, पर यहां रहने से पहले मुझे बनाना पड़ेगा। आमेन। तो बनाने के बाद ही मैं यहां पर रहूंगा। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने बनाया ये घर को, उसके बाद रहा, तो उससे पहले कहां था वो? हालेलुया। आप रेडी हो? पहला राजा 8:27। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कौन कौन सीख रहे हैं? ये आपको मैच्योर करेगा स्पिरिट में। थैंक यू लॉर्ड। बड़े जल्दी से, पहला राजा 8:27, फर्स्ट किंग्स 8:27। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? क्या परमेश्वर सच में पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में और सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? आपको समझ आ रही है? ये सुलेमान का टॉकिंग है। बोलता है हेवंस एंड द हेवंस कैनॉट कंटेन यू। बोलता है हेवन और हाईएस्ट हेवन भी वो तुझे समा नहीं सकेगा, तू इतना बड़ा खुदा है। आपको पता है जिस खुदा की आप सेवा करते हो वो हेवंस और हाईएस्ट हेवंस में भी समा नहीं सकेगा, वो इतना बड़ा है।
हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने एक बिग प्रेयर किया, बड़ा प्रेयर। बड़ा प्रेयर नहीं होता, परमेश्वर बड़ा है। आमीन। वो आंसर देता है। आपकी प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। आमीन। जब आप प्रेयर करते हो, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है जो क्या करता है, आंसर देता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो यहां पे लिखा हुआ है कि हेवंस एंड द हेवंस कैनॉट कंटेन गॉड। परमेश्वर की, परमेश्वर को समा नहीं सकेगा स्वर्ग भी, वो इतना बड़ा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? फिर से हम जाएंगे जर्मिया 23:24। मैं आपको वर्सेस क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपको लगे बाइबल, जो मैं बाइबल से बता रहा हूं। आमीन। पढ़े जल्दी से जर्मिया 23:24 जल्दी से पढ़े। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर यहोवा का ये बाड़ी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिप सकता है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? आपको समझ आ रही है? परमेश्वर बोलता है तू कहां पे छिपेगा कि मैं तुझे देख ना सकूं? बोले मैं हर जगह हूं। आगे, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ में परिपूर्ण नहीं है? तो स्वर्ग और पृथ्वी कहां पे? परमेश्वर के अंदर। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? परमेश्वर बोलता है तू मेरे से कहां छिपेगा, कहां पे तू भागेगा और बोलेगा मैं परमेश्वर से छिप रहा हूं? जैसे एडम क्या हो गया, छिप गया। वो सोच रहा होगा मैं परमेश्वर से छिप रहा हूं। नहीं, आप छिप नहीं सकते हो, क्योंकि उसकी भरपूरी स्वर्ग में भी है और पृथ्वी में भी है। वो हर जगह मौजूद है। आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे? आगे बढ़े जल्दी से। जैसे मेरी प्रजा के 24 फिर यहोवा की ये बाड़ी है, हाँ जी, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान पे छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? यस। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझ में परिपूर्ण नहीं है? या। मैंने इस भविष्य वक्ताओं की बातें सुनी है और मेरे नाम से एक कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे? तो परमेश्वर इस बाइबल के अनुसार जर्मिया बोलता है, यजाया बोलता है कि परमेश्वर हेवन में, हेवंस भी उसको कंटेन, हेवन में भी वो रह नहीं सकता, वो इतना बड़ा है। ये वो नबी है जो प्रोफिटिक में बड़े खतरनाक मूव करते थे, पर ये रिवील कर रहे कि परमेश्वर हेवन में नहीं रहता है। हेवंस भी उसको कंटेन नहीं कर सकता, अर्थ भी परमेश्वर को कंटेन, पर परमेश्वर कहां पे रहता है? इसका मतलब तो एक वर्ड आप निकाले, पहला तिमोथियुस 6:16। अब हम जाएंगे, हमारा फ्लाइट उड़ने जा रहा है। कौन कौन रेडी है? हालेलुया। आप रेमा सुनोगे जो खुदा का वर्ड है। जल्दी से पहला तिमोथियुस 6:16। और अमरता केवल उसी का है, अमरता केवल उसी का है, और वो आगाबे ज्योति में रहता है। वो कहां पे रहता है? आगाबे। कौन को मेरी बात समझे? हर एक जन निकाले वो वर्ड, हर एक जन। थैंक यू जीसस। पहला तिमोथियुस आपने निकाल लिया, पहला तिमोथियुस 6:16 क्या पे लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। और अमरता केवल उसी का है, हाँ, और वो अगपे ज्योति में रहता है। वो क्या करेगा? वो अगमय ज्योति में रहता है। आमीन। वो कहां पे रहता है? बाइबल कहते गॉड ड्वेल्स इन लाइट। वो कहां पे रहता है? ज्योति में रहता है। बोलो ज्योति में। ज्योति में। आपका परमेश्वर कहां पे रहता है? ज्योति में। ये ऐसा ज्योति है। आगे बढ़े ये वर्ड्स को जल्दी से। और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना उसको किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। आमीन। तो जब तक आप ह्यूमन फ्लेश में रहोगे, आप कभी भी परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। वो ज्योति में रहता है। बाबे कहते यदि आप उसको देखो, आप देख ही नहीं पाओगे। कोई भी बंदा यदि परमेश्वर को देख रहा है इस शरीर में रहके, वो जी नहीं पाएगा। लेट मी प्रूव यू। आपको बताए जब एहिजकेल बोलते, जब मैंने परमेश्वर को देखा, वो दो दिन तक बेड में रहा, वीक हो गया, वो कमजोर हो गया। ये वही नबी है जिसने परमेश्वर को देखा। जब यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जब वो हेवन में गया, उसने यीशु को देखा। आमीन। कितने लोग यीशु मसीह की पिक्चर को क्या करते हैं? अपने फोटो में लगाते हैं, अपने फोन में, ये यीशु मसीह। इवन लोगों ने स्टैचू बना के रखा हुआ है, ये यीशु मसीह है। पर बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती। बाइबल कहती उसकी आंखों में आग है। आपको समझ आ रही है? जब आप उसकी आंखों को देखोगे, वो जलती हुई आप देखोगे, धधकती हुई आग। बाइबल कहती जब आप उसके फेस को देखोगे, वो एक सूरज के समान चमक रहा था। आपको समझ आ रही है?
ये कौन सा यीशु है जो अपने घर में पोस्टर बना के रखा हुआ है? वो फेक है। ब्लू आईज, वाह वाह वाह, रेड बाल, और बोलते जीसस क्राइस्ट है ये, सेम ऑन यू, वो यीशु नहीं है। आप यीशु मसीह के पिक्चर को बना रहे हो ना, वो बिब्लिकल नहीं है। यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, उसकी ग्लोरी को लोग देखते थे। और अपने क्या करते थे, सिर। मूसा ने भी नहीं देखा परमेश्वर को। कि लोग बोलते मूसा ने 40 दिन किससे बातें किया, परमेश्वर से बातें किया, वो इस सपनों से बोलता है, वो परमेश्वर नहीं था, वो एंजल ऑफ द लॉर्ड था, वो स्वर्गदूत था। आमेन। इसराइल बोलते उसने परमेश्वर से बातें किया, नहीं। परमेश्वर, यदि आप इस फ्लेश में हो, इस शरीर में, आप कभी खुदा को देख नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल। बाइबल कहती है वो एक ऐसा लाइट में रहता है, कोई इंसान उसको देख नहीं पाएंगे। आमेन। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो जो यीशु आप अपने पिक्चर्स में लगाते हो वो रियल नहीं है। बाइबल कहती है जब डिसाइपल्स ने, ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गया, जब वो बातें कर रहे थे, मरियम मगदली ने बोली है कि यीशु क्या हो गया, जी उठ गया। बाइबल कहती है उन्हीं के बीच में यीशु क्या हो गया, अपीयर्ड हो गया, आ गया, और वो बोलने लगे ये भूत है, वो भागने लगे। यीशु बोलता है शांति तुम्हें मिले, मैं कौन हूं यीशु। आपको समझ आ रही है? जब उन्होंने यीशु को देखा, भूत बोलने लगे। आया बात सीख रहा दोस्त, हालेलुया। आप समझ रहे हो? लोग डरते थे यीशु जब मुर्दे में से जी उठ गया। इवन पत्रस ने नहीं पहचाना। मरियम मगदलीनी ने बोलती है कि माली समझ रही थी यीशु मसीह को कि आपने मेरे प्रभु को खा लेके गए। जब तक प्रभु ने मरियम नहीं बोला ना, उसने पहचान भी नहीं पाई वो यीशु मसीह है। आमेन। वो यजाया बोलता है उसमें कोई ब्यूटी नहीं था कि उसको देख के कोई चाहते ही नहीं थे। यजाया 53 में आप जाके पढ़ोगे, यीशु ब्यूटीफुल नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह बाइबल के अनुसार ब्यूटीफुल, सुंदर, जो आप पिक्चर में आप देखते हो। आमेन। इसलिए आप कभी नहीं देखोगे हमारे यहां पे पिक्चर्स, नो, क्योंकि किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा। पर कुछ कैथोलिक चर्च वाले क्या करते हैं, उन्होंने मूर्ति बना दिया यीशु मसीह की, और लोग बोलते यही हमारा प्रभु है। यूहन्ना ने जब प्रभु को देखा वो घुटने में आ गया। आमेन। मतलब वो डर गया। प्रभु बोलता है, उठा के बोलता है, मत डर, मैं क्या हूं, मैं पहला और अंतिम हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जो चीज उन्हें देखी है लिख ले उसको, मत डर, मैं कौन हूं, मैं यीशु हूं। वो उसने देख नहीं पाया, उसने अपनी आंखों को क्या कर दिया, वो घुटने में आ गया। वही पौलुस जब उसने यीशु मसीह के ग्लोरी को देखा, 3 दिन तक अंधा हो गया, 3 दिन तक ब्लाइंड। आमेन। कौन को मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी इंसान इस ह्यूमन फ्लेश में रहके उसके महिमा को जब देखेगा ना, ये ह्यूमन फ्लेश का जो पावर है ना, पैरालाइज्ड हो जाएगा। कितने लोग बोलते हैं जब परमेश्वर आता है आपको डर नहीं लगता, व्हाट अ फेक न्यूज। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब जन्म उसका पैदा होने वाला था, मरियम के पास कौन आया, गैब्रियल, उसने पहला वर्ड क्या बोला, डर मत। इसका मतलब जब एंजल्स आते लोग डरते थे। एजगिल के पास एंजल्स आया और बोलता है डर मत, मैं गैब्रियल हूं, मैं मिकाएल हूं। कुछ बरजार बोलते हैं यदि आप प्रभु को देखना, यदि प्रभु आएगा ना आपको डर, किसने बोला? बाइबल कहती मूसा कांपता था जब वो पहाड़ में आता था परमेश्वर। आमेन। कौन को मेरी बात समझ रहे? मैं आपको प्योर वर्ड दे रहा हूं जो बाइबल के। आमेन। आपको कौन कौन समझ रहे? तो परमेश्वर एक ऐसा लाइट में रहता है, कोई इंसान उसको देख नहीं पाएगा ना, वो कभी देख सकता है। पर वही यूहन्ना बोलता है जब हम रैप्चर किए जाएंगे, हमें एक स्वर्गीय बॉडी दिया जाएगा, जिसको वो बोलते आत्मिक बॉडी, हालेलुया। और उस आत्मिक बॉडी के द्वारा हम प्रभु को जैसा वो है ऐसा देखेंगे, ग्लोरी। तो अभी आप परमेश्वर को देख नहीं सकते हो, पर आफ्टर द रैप्चर जब आप हेवन में जाओगे, ये बॉडी नहीं होगा,
हमारे पास एक डिफरेंट बॉडी होगा, उसको बोलते हैं गॉड काइंड बॉडी। पॉल एक्सप्लेन करता है, आप फर्स्ट कुरिन्थियों में पढ़ोगे 15 वर्स में, जब तुम्हारे आंखें क्या होंगे, पल के मारते ही हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और हम क्या करेंगे, हेवनली बॉडी को क्या करेंगे, पहनेंगे। और उस बॉडी में आप परमेश्वर को देख सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़े, हालेलुया। आप रेडी हो? अमृता केवल उसी की है, पहला तीमुथियुस 16:6-16, अमृता केवल क्या है, उसी की है, वो अगमय ज्योति में रहता है, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है ना कभी देख सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य ने ना देखा है ना, पर आत्मा का बात नहीं लिखा यहाँ। तो अब हम क्या है, अभी हम क्या है, इस इंसान के शरीर में अब हम मनुष्य है, पर जब आप रैप्चर किए जाओगे आपको एक डिफरेंट बॉडी खुदा देगा, जिस बॉडी में रह के आप परमेश्वर से, परमेश्वर को देख सकते हो जैसा आप हो। आमेन, हालेलुया। जब यीशु मसीह के वर्ड्स को पढ़ोगे, यीशु मसीह कहते हैं जिनके जिनके मन पाक है वो किसको देखेंगे, परमेश्वर, वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध है जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन पाक है, तो उसका मीनिंग ये नहीं कि आप परमेश्वर को देखोगे, वो बोल रहे तुम उसकी ग्लोरी को देखना शुरू करोगे, तुम उसके महिमा को क्या करोगे, देखना शुरू करोगे। हालेलुया। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? किस किस ने पता है कि पुराने नियम में एक मिलाप वाला तंबू था, मिलाप वाला तंबू, जहां पे तीन स्टेज होता है, होलीज ऑफ होलीज एंड होली प्लेस, उसके बाद एक आंगन होता है। आमेन। अति पवित्र स्थान में आर्क ऑफ द कोवेनेंट, मतलब परमेश्वर का हजूरी रहता था, उसके बाद अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की हजूरी रहता था, और उसके बाद एक पवित्र स्थान था, और उसके बाद एक आंगन था। आमेन। तो बाबा की थी, वो एक ऐसा मंदिर था, वो एक आप बोल सकते हो उसको मंदिर ही बोल सकते हो, कि जहां पे परमेश्वर का हजूरी ग्लोरी रहता था। आमेन। तो पुराने नियम में परमेश्वर किसी के अंदर वास नहीं करता था। उसने डिसाइड किया, मूसा को बोला तुम मेरे लिए एक घर बना, मतलब मंदिर बना, अति पवित्र स्थान बना, जहां पे कोई आ नहीं सकता। महायाजक भी साल में एक बार जाते थे, और वहां पे जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ेगा, कितने दिन तक अपने आप को शुद्ध करते थे वो, ताकि उस जगह में जा सके जहां पे परमेश्वर का उपस्थिति है। साल में एक बार बलि चढ़ाने के लिए जाते थे वो, साल में एक बार, वो इतना पवित्र स्थान था। आमेन। और यदि वो जाते जाते पवित्र स्थान में यदि वो जाएंगे, यदि उनके मन में पाप आ गया, उसी समय परमेश्वर का उपस्थिति उनको मार देता था। और जब याजक जाते थे ना, उनके पैरों में क्या करते थे, रस्सी बांधते थे कि मर जाए तो क्या करे उसको, परमेश्वर की उपस्थिति इतना भारी था, क्योंकि लोग पापी थे। पर यीशु ने क्या किया, अति पवित्र स्थान के पर्दा को क्या कर दिया, फाड़ दिया। अब परमेश्वर की महिमा अति पवित्र स्थान में नहीं है, वो पर्दा फटने का मतलब है प्रभु की हजूरी हर जगह है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो पहली चीज, परमेश्वर कहां पे रहता है, लाइट में, जहां पे कोई इंसान उसको देख नहीं सकते, ना उसको अप्रोच कर सकते हैं। पर दूसरा चीज, आज उसने एक ऐसा मंदिर बनाया है जहां पे वो मतलब रुक सके, बास कर सके। आमेन। आप रेडी हो? आप रेडी हो? थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:24, जल्दी से पहला यूहन्ना 3:24। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो उससे और उनमें बना रहता है। आपको समझ आ रही है? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप बोलोगे परमेश्वर आज कहां पे रहता है, बोलो मेरे अंदर, मेरे अंदर, बोलो मेरे अंदर, मेरे अंदर। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, तभी भी उसने अपने आत्मा के द्वारा डिसाइड किया, मैं अपने बच्चों के अंदर चला करूंगा और फिरा करूंगा। ग्लोरी। पढ़े वर्ड्स को फिर से। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, यस, वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, यस,
और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हमें हमें बना रहता है. By his spirit he abides in us. उसके आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर बास करता है. कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो आज परमेश्वर कहां पे रहता है? आपके अंदर. हम पढ़ेंगे यही पहला जोन 4:15 पढ़ेंगे जल्दी से. 4:15. थैंक यू जीसस. जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. सुनो, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है. परमेश्वर का परमेश्वर का बहुत सारे लोग सोचते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का क्या था? पुत्र था. तो लोगों के समझ नहीं आता मीनिंग. यदि परमेश्वर का पुत्र यीशु है तो परमेश्वर का वाइफ कौन है? हाँ, बताओ. लोगों को लगता है यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का बच्चा है, लड़का है. आपने बाइबल नहीं समझा फिर. ये तो मुस्लिम मेरे साथ आर्गुमेंट करते आमीन कि यदि तू परमेश्वर के पुत्र के ऊपर बिलीव करेगा. क्या बोल रहे हैं आगे? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये पढ़े जल्दी से ये वर्ड्स. कितना? 4:15. जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. जो कोई ये मान लेता है कि यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र है. परमेश्वर उसमें बना रहता है. परमेश्वर. तो जब आप जिस दिन आप ये मान लेते हो यीशु कौन है? उद्धार करता है. यीशु परमेश्वर है. जिस दिन आप मान लेते हो तो बाइबल कहती है उसकी आत्मा आपके अंदर रहना शुरू करता है. आमीन. उसकी आत्मा का परमेश्वर स्वयं जीवित खुदा आपके अंदर क्या करना शुरू करता है? रहना शुरू करता है. कौन को मेरी बात समझ रहे? तो आप परमेश्वर का घर कौन है? मैं और आप. आमीन. बाइबल कहती है वही पौलुस बोलता है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो चुकी है. पहले मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का घर था पर आज हम परमेश्वर का सिनोगोग है. आज हम परमेश्वर की मंदिर है. आज हम परमेश्वर के टैबरनाकल है जहां पे उसकी ग्लोरी बास करती है. ग्लोरी हालेलुया. दैट्स व्हाई आपके हैंड्स में हीलिंग्स है. दैट्स व्हाई डार्कनेस जब आप किसी के ऊपर छूते हो डार्कनेस रह नहीं सकता क्योंकि आपके अंदर ग्लोरी है. आपके अंदर खुदा है. आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह के चले आ गए बोलते हैं मैं खाली. हमने सब चीज देख लिया. हमें पिता को दिखा दे. फिलिप आके बोलता पिता को देखना है हमें. हमने पिता हमने सबको देख लिया. हीलिंग्स देख लिया. छुटकारा देख लिया. मिरेकल्स मुर्दे को जी उठता हुआ. यीशु मसीह बोलता है अभी तक मैं तुम्हारे अभी तक तुमने पिता को जिसने मुझे देखा. ये आपका बाइबल गिर जिसने उसने किसको देखा? हालेलुया. तो जो मुस्लिम बोलते परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को परमेश्वर नहीं बोला. सुन लो बाइबल की थी जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? आमीन. क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं क्योंकि जहां पे परमेश्वर का आत्मा आज कहां पे रहता है? आपके. अब आप मिलाप वाला तंबू हो. बोलो मैं मिलाप वाला तंबू हूं. मैं परमेश्वर का टैबरनाकल हूं. मैं परमेश्वर का घर हूं. मैं परमेश्वर का मंदिर हूं जहां पे उसकी ग्लोरी बास करती है. मारूस तहाक रहा दे. इसलिए मैं इसका मतलब सुनो सुनो इसका मतलब आपका घर अब बीमारी का अड्डा नहीं है. अब आपका घर अब प्रॉब्लम्स की अड्डा टेंशंस का अड्डा यदि है तो आप परमेश्वर के मंदिर नहीं बने हो. कल मैं अपने चर्च को सिखा रहा था परमेश्वर के मंदिर आप कब बनोगे? यीशु क्या कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने उसको क्या बना दिया है? डाकुओं का अड्डा. किसका? तो बोला मेरा घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का. तो नए नियम में परमेश्वर का घर कौन है? मैं और आप. तो हमारे अंदर एनी टाइम क्या होनी चाहिए? प्रेयर्स. एनी टाइम आप चल रहे हो प्रभु आपका धन्यवाद. प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो खुदा धन्यवाद धन्यवाद. हर टाइम आप धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की मिलाप वाला तंबू में प्रेज होता था. बलिदान चढ़ाते थे लोग. आमीन. आपको मिलाप वाला तंबू में प्रीस्ट के लिए याजक के लिए बैठने का जगह नहीं था. आप मिलाप वाला तंबू के अंदर आप रेस्ट नहीं कर सकते हो. अब आप मिलाप वाला तंबू हो. अब आप परमेश्वर के घर हो. आमीन. तो जब भी आप उठ रहे हो धन्यवाद दो. आमीन. ये मत सोचो कि एक चर्च
कि अंदर परमेश्वर रहता है, नहीं, परमेश्वर एक बिल्डिंग के अंदर रहता नहीं है। उसने पहले बोल दी, तू मेरे लिए घर बनाएगा, स्वर्ग का स्वर्ग मुझे समा नहीं सकता, तू मेरे लिए घर बनाएगा वो भी पृथ्वी पे, इम्पॉसिबल चीज है। एक कोई लोग सोचते ना हम चर्च में, चर्च पवित्र जगह है, पवित्र आप हो, चर्च एक जगह है जहां पे पवित्र लोग आराधना करते हैं, आप हो पवित्र लोग हो। कितने लोग कंफ्यूज है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, कौन राजा की बात कर रहा है, वो आप लोग हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आप राजाओं के राजा हो। तो लोग सोचते हैं राजा कोई और होंगे, कौन राजा, आप हो। प्रकाशित वाक्य में क्या बोलता है कि मैंने अपने लोगों को राजा और याजक बनाया, वो आपकी बात कर रहा है। आमीन। वो पत्रस में बोलता है कि तुम एक चुनी हुई प्रजा और पवित्र समाज हो। बाइबल आपको पवित्र कहता है, क्योंकि जिसके अंदर खुदा का आत्मा है वो पवित्र है। आमीन। तो अब मिलाप और तंबू परमेश्वर का घर कौन है, मैं और आप। बोलो मैं परमेश्वर का घर हूं, जहां पे उसकी महिमा रहता है, जहां पे परमेश्वर बास करता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो परमेश्वर ने देखा कि सब ने क्या किया, आदम ने पाप किया, आमीन। इसके द्वारा क्या है, बीमारी आया, इसके द्वारा कर्ज आया, इसके द्वारा इंसान परमेश्वर से क्या हो गए, अलग हो गए, क्योंकि इंसान के अंदर क्या आ गया, पाप आ गया। तो परमेश्वर ने डिसीजन किया कि अब मैं क्या करूंगा, इंसान जाति के लिए मरूंगा। आमीन, हालेलुया। एक वर्स हम निकालेंगे, पहला तिमोथियुस 4 का, पहला तिमोथियुस 3:16, थैंक यू जीसस। पढ़े जल्दी से। अब प्रभु जो शांति का सोता है, पहला तिमोथियुस 3:16, थैंक यू जीसस, पढ़े जल्दी। इसमें संदेह नहीं कि, देखो इसमें संदेह, भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है, हाँ जी, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, बोलते गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, द गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, जो बोलते यीशु परमेश्वर का औलाद है। पर तिमोथियुस में पौल लिख रहा है द गॉड ऑलमाइटी वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, परमेश्वर शरीर में प्रकट हो गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो जो आप यीशु यीशु बोलते हो, जो परमेश्वर का पुत्र आप बोलते हो, वो स्वयं खुदा था। बाबा कहते परमेश्वर क्या बन गया, शरीर बन गया। आमीन। बाबा कहते गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश, आपको समझ आ रही है, और वो आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जाति में परमेश्वर का प्रचार हुआ, और संसार में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, ओ लॉर्ड हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। राखा जी ग्रहण दहा जी रे बोशाप्रादेश दहा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसने भेजा जाके मरियम को, बोल 9 महीने के लिए रेंट चाहिए तेरे पेट, 9 महीने के लिए मुझे रेंट में चाहिए। मरियम बोलती कौन है लड़का, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट तेरे पर आएगा और तू मुझे क्या करेगी, मैं तेरे पेट के अंदर आऊंगा। परमेश्वर ने इंसान के रूल्स को यूज किया संसार में आने के लिए। अब देखो हर एक बाकी जो भगवान आप देखते हो वो अपने आप अपीयर्ड हो गए अपने आप, पर जो खुदा है उसने डिसीजन लिया, जैसे इंसान इस संसार में आते हैं ऐसा मैं भी आऊंगा। उसने इंसान के रूल्स को क्या किया, यूज किया। यदि आपको एक लड़का को यहां पे लेके आना है संसार में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लड़की की, एक औरत की वूम में आपको रहना पड़ेगा पहले, ताकि वो लड़का क्या हो, इस संसार में आए। तो परमेश्वर ने मरियम के कोख को 9 महीने तक क्या किया, रेंट में लिया। आमीन। बाबा कहते परमेश्वर मरियम के क्या आ गया, पेट में आ गया, और परमेश्वर वेट कर रहा है 9 महीने तक। जस्ट इमेजिन करो आप,
जिस खुदा ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, वो किसके अंदर है? मरियम के पेट के अंदर। आपको समझ आ रही है? मैं जब पढ़ता हूँ अमेजिंग थिंग्स। आमेन। उसके बाद वो पैदा हो गया और रो रहा है जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, और वो कौन है? परमेश्वर है। उसको दूध पिला रही है। आमेन। जिस परमेश्वर ने औरत को बनाया उसी का परमेश्वर दूध पी रहा है। आपको पता है यीशु एक बॉडी है जो मरियम के द्वारा परमेश्वर ने लिया, पर जो मसीह है वो परमेश्वर है। आमेन। इसलिए उसको बोला जाता है जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। आमेन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। तो बाबे की थी, वो क्या हुआ? शरीर में प्रगट हुआ। परमेश्वर क्या हो गया? हेवन को छोड़ दिया। अब मैं कहां पे जाऊंगा? इंसान जाति के लिए मरने, क्योंकि कोई पवित्र नहीं थे, सबने पाप किया। जो व्यवस्था दिया गया उसको भी वो यूज, उसमें भी वो फेल्ड होते जा रहे, फेल्ड होते जा रहे। तो मानव जाति के उद्धार के लिए वो खुद उसने डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, इंसान बन के जाऊंगा और 33.5 साल तक पवित्र रहूंगा, और वही पवित्र खून मैं क्या करूंगा, इनके ऊपर क्या करूंगा, चढ़ाऊंगा, और अपने खून देकर इनको क्या करूंगा, आजाद करूंगा पापों से, बंधनों से। हालेलुया। तो यीशु मसीह खुदा है। मैंने बोला नहीं दिया, बोलो वो परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर का वाइफ कौन है फिर? आमेन। आपको नहीं मिलेगा बाइबल में, पर आपको समझना है जब सन ऑफ गॉड बोला जाता है। इसलिए बाइबल कहती है यदि आप इज़राइल में जाके अपने आप को बोलोगे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो लोग पत्थर उठाएंगे, आपके ऊपर मारेंगे। इज़राइलियों को पता है परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूं? सन ऑफ गॉड हूं। बाबा की उन्होंने पत्थर उठाए। आमेन। जस्ट इमेजिन, आप बोल रहे हो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इज़राइली पत्थर उठा रहे मारने के लिए, और बोलने लगे तू इंसान हो गया, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कैसे बोल सकता है? क्योंकि उनकी नजर में जो परमेश्वर का पुत्र का मतलब उनकी नजरों में ये है कि परमेश्वर एक शरीर में प्रकट हो रहा है। उनको ये पता था। तो सन ऑफ गॉड का मतलब है परमेश्वर एक बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है। और यीशु बोलता है मैं सन ऑफ गॉड हूं। इसलिए इज़राइली चढ़ते थे उससे, पत्थराप उठाते थे पत्थराप करने के लिए। आमेन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। तो परमेश्वर आपके अंदर रहता आज, ये एक एक ऐसा ट्रूथ है जो आपके लाइफ को बदल देगा। आमेन। आपको लगता है ये नॉर्मल सी चीज है, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है कोई बात नहीं। परमेश्वर इमेजिन करो, जिस खुदा ने आपको बनाया क्रिएट किया वो आज आपके अंदर रहता है, तो आप कैसे गरीब रह सकते हो? आमेन। बाबा कहते उसके उसके पास क्या है? बहुत सारा सोना। आपको पता है परमेश्वर का सिंहासन में क्या है? उसका सिंहासन भी सोने से है। अरे आप स्वर्ग में जाओगे सब क्या है, रोड भी क्या है, सोने के, पर उसके बच्चे के कैसे है? बिल्कुल अलग। आपका पापा गॉड बोधा मेरे, और हम क्या है? ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच आपके अंदर वो खुदा है जो अमीर है, जो प्रॉस्पर है, जिसके राज्य में खाली सोने का रोड है, उसका सीट भी सोने का है। आमेन। आप उसके औलाद हो, वो आपके अंदर रहता है। आप समझ रहे हो? एक दिन मैं ऐसे बैठ रहा था और मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर मेरे अंदर है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर तुम्हारे। सडनली मैं बोलने लगा अब मैं गरीब, इम्पॉसिबल। यदि खुदा मेरे अंदर रहता है मैं कैसे गरीब रह सकता हूँ? यदि खुदा मेरे अंदर रहता है कैसे कैंसर रहेगा? कितने सारे लोग क्या सोचते होंगे, कैंसर भी है क्या कर रहा है? परमेश्वर को हाईफाई कर रहा है। आ जाओ, आप कैंसर जो बीमारी हाईफाई कर रहा है खुदा को। आपको समझ आ रही है? जिस दिन आप डेली ये कन्फेस करोगे ना मेरे अंदर खुदा रहता है, परमेश्वर रहता है, जो बीमारी आपके अंदर है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। बिलीव मी, वो बीमारी जो आपके अंदर है, चाहे वो शुगर, कैंसर, डायबिटीज, कुछ भी है, डेली ये बोलो मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, तो बीमारी सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक वर्ड समझ गए, और रोमियो 8 का कह रहा, रोमियो 8 का कह रहा, जल्दी से, थैंक यू जीसस। राबास्ता हांक रहा दहीजे पढ़े जल्दी से।
रोमियो 8:11, यदि उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, आपको समझ आ रही है, उसी का आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा, बोलो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जो और तुम में क्या है, बास हुआ है, बास हुआ है मतलब बास करता है, आपको समझ आ रही है, बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड डिवेल्स इन यू, he who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. बोलता है कि वही आत्मा जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से उठाया, वही आत्मा आज आपके अंदर है। Glory, glory, glory. तो आपके अंदर कौन सा आत्मा है? मुर्दों को जिलाने वाली स्पिरिट, जो होली स्पिरिट आपके अंदर है ना, वो सामर्थ्य आत्मा है। यही आत्मा ने यीशु को तीसरे दिन जिला उठाया, और बाबा कहते हैं यही आत्मा आपके अंदर और बास करता है। तो कैसे आप बीमारी में पहुंच रहोगे? इम्पॉसिबल है। आमीन। जब परमेश्वर की आत्मा की बात आती है तो आपको समझना है ये परमेश्वर ही है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? ये बाइबल कहती है कि यूहन्ना में लिखा हुआ है 4:24 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? जो आत्मा है, आप ग्रीक में पढ़ोगे उसको बोलते हैं नूमा। उसको क्या बोलते हैं? नुमा। नुमा का मतलब आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर स्वयं। हालेलुया। और जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मृतों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो ये आत्मा यहाँ पे लिखा वो भी नुमा है, तो ये आत्मा परमेश्वर है। आमीन। जिस परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वही परमेश्वर आज आपके, और बाबा कहते वही परमेश्वर तुम्हारे मरणहार शरीर को क्या करेगा? जीवित करेगा, चिलाएगा, रीबिल्ड करेगा। हालेलुया। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके बाद जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है तो ये हाथ नॉर्मल नहीं, अब ये बॉडी नॉर्मल नहीं है। हमेशा सिखाओ तो बाइबल कहती पुराने पहले सदी के कलीसिया में पतरस के रुमाल से लोग क्या होते थे? लोग चंगे होते थे। पतरस क्या कहता था? रुमाल फेंकता था, दुष्ट आत्मा निकलते थे। और लोग सोचते होंगे क्या हो रहा है, और वही पत्रस रिवील करता है तेरे अंदर खुदा है। खुदा की ग्लोरी तेरे कपड़ों में चला जाएगा। आमीन। जो खुदा तेरे अंदर रहता है उसी की महिमा जब तू बढ़ना शुरू करेगा उसके महिमा में, तो तेरे कपड़ों में क्या आएंगे? महिमा आएंगे, ग्लोरी आएंगे। तो वही पौलुस को पता था मेरे अंदर कौन है? खुदा है, तो खुदा की ग्लोरी है। तो उसकी पौलुस के हाथों में रुमाल में क्या आता था? सामर्थ आता था। वो क्या करता था? डीमंस के ऊपर फेंकता था, डीमंस चिल्लाते थे और भागते थे। पर ये पावर में कौन चलेगा? जिनको पता है मेरे अंदर परमेश्वर है। ध्यान से सुनना, हम वो बंदे नहीं है। परमेश्वर को ढूंढने के जाने के लिए आपको पहाड़ में जाना है, कहीं आपको जंगल में जाना है, रात को 12 बजे जाना है। आमीन। लोग जाते रहते कहीं ना कहीं किसी किसी को ढूंढने के लिए, कोई हमारा उद्धार कर देगा, कोई हमें क्या कर देगा, उधर जाओ ये करो वो करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम वो बंदे नहीं है। आप परमेश्वर को ढूंढ, यीशु बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढा, मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे पर मैंने तुम्हें चुना, बुलाया अपने पास। जो बोलते हैं ना हमने प्रभु को ढूंढ लिया, आप प्रभु को ढूंढ, उसने आपको ढूंढा और वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। तो परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे से बात कर, जब मैं चलूं मेरे से बात कर, जब मैं काम कर रहा हूं मेरे से बात कर। आपको समझ आ रही है? कितना इजी हो जाएगा। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। एनी टाइम वो आपसे बातें कर सकता है, एनी टाइम। पुराने नियम में क्या होता था? परमेश्वर अपने नबी को भेजता था, जाके मेरे मैसेज दे दे, अपने एंजल्स को भेजता था। पर आज नए नियम में ऐसा, उसका आत्मा परमेश्वर का आवाज है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज परमेश्वर को बात करने के लिए गैब्रियल को भेजने की जरूरत नहीं है कि आप पास आकाश को जाके गैब्रियल को, परमेश्वर बोला गैब्रियल जा पास आकाश को ये बोल मैं ये चाहता हूं, नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर आज ऑलरेडी है।
तो आज कोई गैब्रियल की जरूरत नहीं है, कोई स्वर्गदूत की, कोई प्रॉफिट्स की, आमीन। कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? बाबा कहते पुराने नियम के लोग वेट करते थे कि नए नियम में जीने के लिए, आमीन। आप समझ रहे हो? आपको बताएं, एक वर्स हम निकालेंगे उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आप रेडी हो? आप रेडी हो? थैंक यू जीसस। पहला कुरंथियो 10, पहला कुरंथियो 10, 10 का 4 निकालेंगे। पहला कुरंथियो 10 का 4। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि वो आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी। आपको समझ आ रही है? ये इजरायली की बात कर रहा है। जब परमेश्वर ने इजरायली को मिस्र से निकाला तो बाइबल कहती है इजरायली जो 25 लाख 30 लाख थे तो उनके पास उनके साथ साथ एक पत्थर चलता था। बोलो पत्थर। पत्थर चलता था और उसी में से वो पानी पीते थे। जस्ट इमेजिन, आपके आप चल रहे हो और पत्थर भी आपके साथ चल रहा है। क्यों चल रहा था? कि वो आपको पानी दे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बाइबल कहते रात को आग का खंभा उनके आगे चलता था, दोपहर को बादल उनके ऊपर चलता था, क्योंकि रेगिस्तान में चल रहे थे, ताकि उनको गर्मी ना। ये बादल कौन है? यीशु है। ये आग का खंभा कौन है? यीशु है। और ये चट्टान कौन है? यीशु है। पढ़े वर्ड्स को जल्दी से। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो सब आत्मिक चट्टान में से पीते थे, वो एक आत्मिक रॉक से पीते थे जो उसके साथ चलती थी, जो उसके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था, वो चट्टान मसीह था। आया बा शिखरा दोस्ता हाक रहा दे। आपको समझ आ रही है? सासी भर जगह यीशु बोलता है इब्राहिम ने मेरा दिन देखा और देखा वो खुश हो गया। शास्त्री वर्षी बोले तू 50 साल का नहीं है, तूने पापा अब्राहम को कैसे देखा? इब्राहिम को, इब्राहिम ने कब देखा परमेश्वर को? मलिक सिदिक। इब्राहिम ने दसवांश किसको दिया था? मलिक सिदिक को दिया था। वही मलिक सिदिक यीशु था। बोला अब्राहम से पहले मैं था। एक 30 साल का नौजवान बोल रहा है शास्त्री वर्षी को अब्राहम से पहले। आपको मारेंगे कि नहीं बताओ? वाओ। पुराने नियम में यीशु भरा हुआ है। यूसुफ कौन था? यीशु। यूसुफ, यूसुफ यीशु था वो। आमीन। बाबा कहते अदन की वाटिका में परमेश्वर की आवाज चलता था, वो कौन था? यीशु था। यूहन्ना बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही बाबा कहते बचन आदन में चलता था, वो यीशु था। ग्लोरी। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना बोलता है यीशु मसीह अपने शास्त्री फरीसी को इब्राहिम ने मेरा दिन देखा और खुश हो गया। बोला तू 30 साल का नहीं है, 50 साल का नहीं है, तूने पापा अब्राहम को कब देखा? फिर से पत्थर उठाया उन्होंने उसको मारने के लिए। बोला इब्राहिम से पहले मैं था, उसने मेरे दिन को देखा, मुझे देखा और खुश हो गया। कब? मलिक सिदिक यीशु था। आमीन। मैं आपको उत्पत्ति से लेके मलाकी तक यीशु को दिखा दूंगा, मलाकी तक। पर मुझे टाइम अलाउ। यीशु परमेश्वर का क्या था? कुछ बंदे आगे बोलते हैं, आपको पता है यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ था। शट अप योर माउथ। वो मैनिफेस्ट हुआ खुदा 2000 साल पहले। परमेश्वर सनातनी है। जब कुछ नहीं था वो अकेला था, उसने एंजल्स को बनाया, एंजल्स पूछने लगे उसको, वो गॉड बन गया। मारो सहाक रहा दे। आपको समझ आ रही है? ये कभी मत बोलना हमारा परमेश्वर 2000 साल पहले पैदा हुआ। शट अप योर माउथ। वो सनातनी है। जब कुछ नहीं था वो था, जब कुछ नहीं था वो था। आमीन। उसी के द्वारा सब चीज बना, उसके लिए बना। हेवन गैलेक्सी जो भी चीज देखते हो उसके माउथ से बना। उसने सूरज को वॉमिट किया और बन गया। आमीन। 2000 साल पहले कुछ कुछ
टेक्नोलॉजी जो थ्योरीज वाले बंदे यीशु को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आपको पता है यीशु के ये थे, आप यीशु को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आमीन। बाइबल पढ़ लो, आप कर नहीं पाओगे यीशु का एक्सप्लेन। विदाउट होली स्पिरिट यीशु को आप समझ भी नहीं पाओगे, यीशु को आप छू भी नहीं पाओगे। कुछ तो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जो यीशु के ऊपर बिलीव नहीं करते वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, यीशु ये था वो था, चुप हो जाओ, आप आधा ट्रुथ दे रहे हो। आमीन। वही यीशु मसीह अपने चेलों को आगे पूछता है, लोग मेरे बारे में मुझे क्या कहते हैं? पतरस को आगे पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मतलब मुझे कौन, मतलब लोग क्या बोलते हैं? कुछ बोलने लगे, ये जरमाया प्रॉफिट है, ये यजाया प्रॉफिट है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसका सिर कटा था, ये वही है। जस्ट इमेजिन, लोगों को पता नहीं है वो कौन है, अलग अलग नाम दे रहे हैं। पर यीशु बोलता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस पता क्या बोलता है? तू गॉड है, तू मसीह है, तू परमेश्वर है। आमीन। पतरस को यीशु बोलता है, साइमन ये बातें किसी को, क्योंकि ये बातें शरीर और मांस ने, शरीर और लहू ने प्रगट, पर ये बातें पिता ने प्रगट किया तेरे ऊपर। जब तक पिता प्रगट ना करे तू मुझे पहचान नहीं सकता। आप यीशु को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। वही लोग यीशु को एक्सप्लेन करेंगे जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। और पवित्र आत्मा किसके अंदर है? आप और मेरे अंदर। हम कैरी करते हैं परमेश्वर की सीक्रेट्स को। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? भाई छोड़ दो ये मेहनत एक्सप्लेन करना, यीशु मसीह ये थे 2000 साल पहले आए थे, वो सनातनी गॉड है, जब कुछ नहीं था वो था। आमीन। हमारे परमेश्वर को परमेश्वर कैसे बनाया लोगों ने? परमेश्वर तब तक परमेश्वर ने जब तक ना बनाए। आमीन। तो जब परमेश्वर ने एंजल्स, देखो शुरुआत में वचन था, वचन क्या बन गया? परमेश्वर बन गया। परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया तो एंजल्स ने देखा, उसके बाद देखते ही उन्होंने क्या किया? आराधना किया। उसी दिन से वो परमेश्वर जो वचन था वो खुदा बन गया। आमीन। जब तक एक बंदा परमेश्वर की आराधना नहीं करता वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। तो परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया, एंजल्स को बनाते ही एंजल्स ने जब देखा ना वो आराधना करने लगे, तो वो परमेश्वर बन गया। आमीन। उसके बाद उसने इंसान को बनाया और वो भी उसकी आराधना करने लगे। चाहे आप हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, आप कोई भी रिलीजन आप हो, आपको बनाने वाले यीशु है, आपको क्रिएट करने वाले यीशु मसीह है। बोलते मैंने अपने डिजाइन में तुझे बनाया, अपने स्वरूप में, अपने इमेज में। बोलते कितने लोग बोलते परमेश्वर की आपको रूप पता है कैसा है? वो आप हो। बोलते उसने हमें अपने रूप में बनाया। बाबा कहते आदम के अंदर किसका रूप था? परमेश्वर का रूप था। तो इसका मतलब जैसा आदम का डिजाइनिंग है ऐसा परमेश्वर है। आमीन। इसमें बोलते मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं तुझे छुटकारा ना सकूं, इसका मतलब परमेश्वर का हाथ है। बोलता है मूसा को, बोलता है तू मेरे पीठ देखेगा, इसका मतलब परमेश्वर का पीठ है। बोलता है स्वर्ग पृथ्वी मेरे पांव की, इसका मतलब परमेश्वर का पैर है। हालेलुया। बोलता है कि मैं अपने कान तुम्हारे पर, तुम्हारे दुआओं के पर लगाता रहता हूं, इसका मतलब परमेश्वर का। बोलता है मैं धर्मी को देखता रहता हूं 24 घंटा, इसका मतलब परमेश्वर का। ग्लोरी, हालेलुया। परमेश्वर के डिजाइनिंग में आप बनाए गए हो। आमीन। तो आप बोल सकते हो, कोई बोलता है ना परमेश्वर को तुझे देखा है? हाँ। कहां पे देखा तूने? जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। आमीन। उसके बाद आपको जवाब हमारे कुछ यूथ यही बोलते हैं, तूने खुदा को देखा है? तो जिसने मुझे देखा उसके बाद उनका मुंह क्या हो गया? यीशु ने भी यही जवाब दिया। फिलिप बोलता है पिता को देखा, उसने मुझे देखा, उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता आज मेरे और आपके अंदर है। आमीन। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर आपके अंदर दिखना शुरू करे, परमेश्वर आपके अंदर दिखना शुरू करे। जब आप चलो लोग बोले ये मसीह है, जब आप बोलो लोग बोले ये यीशु है। महाराष्ट्र हक रहा दही जरि करे जाबराबो शाकरा देस्ता हांक रहा। हालेलुया।
तो परमेश्वर आज आपके अंदर रहता है। ये कन्फेशन है पूरे हफ्ता के लिए। बोलते जाओ इसको अंदर लेके जाओ, इसको आमेन अपने मन के अंदर लेके जाओ और आप देखोगे सुपर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। बाइबल कहती है इजरायली के साथ पत्थर चलता था और वो मसीह था। आमेन। आज के बाद ये बोलना कि 2000 साल पहले यीशु आया था, परमेश्वर उससे पहले था, यीशु उससे पहले था। इसलिए तो बोलते 2000 साल पहले तुम्हारा खुदा आया, हमारा तो उससे पहले था, और चुप हो जाते हैं सच में। आमेन। हमारा परमेश्वर का शुरुआत कहां से हुआ? लास्ट वचन पढ़ के खत्म करते हैं। यूहन्ना 1:1 खत्म कर दूंगा मैं, और लोगों को नींद आ रही है। हालेलुया। क्योंकि कल कुछ लोग 12 बजे तक जगे हुए हैं फास्टिंग में। यूहन्ना 1:1 थैंक यू जीसस। इतनों को मुंह जबान याद होगा पर हमें मुंह जबान नहीं आना है। वर्ड से पढ़े। आदि में क्या था? अब ध्यान सुनना, आदि में कौन था? आदि में कुछ नहीं था, कोई गॉड नहीं। आदि में कौन था? वचन था। कोई पृथ्वी नहीं, कोई हेवेंस नहीं। आदि में कौन था? वर्ड था। यदि आप रेवेलेशन 19:13 में पढ़ोगे, जाके घर में पढ़ना, अभी नहीं, जो देख रहे घर में पढ़ो आप। परमेश्वर का जो वचन है वो यीशु है। परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु है। तो प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु है। तो आदि में कौन था? यीशु था। यूहन्ना क्या बोल रहा? आदि में वचन का मतलब है वो यीशु था। आमेन। आगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था, और यीशु ही यीशु ही वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन को आप हटा के आप यीशु रखो, तो आदि में शुरुआत में कौन था? यीशु। आपका पापा, आपका पापा गॉड, कोई गॉड्स नहीं, पापा गॉड आपका, आपका फेवरेट गॉड। आमेन। आपका प्रेशियस फादर। तो उनको बोलना जब कुछ नहीं था ना, मेरा खुदा था, मेरा पापा था। आमेन। उसके बाद मेरा पापा क्या बन गया? गॉड बन गया। और मेरा गॉड ही क्या था? पापा था। आपको समझ आ रही है? अब आपको उसी के द्वारा सब चीज बना। फिर से पढ़े वर्ड्स को, टू वर्ड्स को जल्दी से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन परमेश्वर था। आगे, यही के द्वारा उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसी के द्वारा क्या हुआ? सब चीज क्या हुआ? आगे, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके लिए बिना उत्पन्न नहीं हुई। आपको समझ आ रही है? तो जब यीशु उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर ने। तो लोग सोचते हैं परमेश्वर तीन है, नहीं, एक है वो। तो यीशु मसीह ने क्या किया? सब चीज को बनाया। आमेन। चाहे वो देखी हुई दुनिया हो, चाहे अंधी की दुनिया। आमेन। तो आदि में कौन था? आपका पापा। आमेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। तो वचन को आपको क्या रखना है? यीशु रखना है। तो बाइबल कहती है उसी के द्वारा सब चीज बना, उसी के द्वारा सब चीज रचा गया। आमेन। तो बनाने वाले हमें कौन है? वो यीशु मसीह है। पर यीशु मसीह 2000 साल में मैनिफेस्ट हुए, पर उससे पहले वो थे। ये एक रियल टीचिंग्स है। आमेन। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। आज मैं बिलीव करता हूं किस किस के ऊपर बीमारी, हाथ उठाओ। बीमारी, प्रेज गॉड, वाओ, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च के ऊपर बीमार तो नहीं है? इम्पॉसिबल। बाबे कहती है मेरे लोग क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभु के लोगों के अंदर डीमंस हो। बोलते मेरे लोग हाथ रखेंगे बीमार क्या हो जाएंगे? तो क्रिश्चियंस बीमार रहने के लिए नहीं है, क्रिश्चियंस क्या करेंगे? बीमारी को भगाएंगे। तो जिनके अंदर बीमारी है, ध्यान से सुने, आपको ये आज आपका होमवर्क है जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। एक हफ्ते तक बोलते रहो कि मेरे अंदर जीवित परमेश्वर है, मेरे अंदर जीवित परमेश्वर है, मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर परमेश्वर का महिमा है, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है,
परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मेरा हाथ परमेश्वर का हाथ है, मेरा पैर परमेश्वर का पैर है, जहां पे मैं जाऊंगा परमेश्वर जा रहा है, जहां पे मैं जाऊंगा परमेश्वर जा रहा है। जस्ट इमेजिन, हालेलुया। मैं एक मीटिंग में गया और प्रभु ने वहां पे चंगाई किया, तो परमेश्वर मेरे द्वारा जा रहा है, मेरे द्वारा हील्ड कर रहा है। तो जब तक आप जाओगे नहीं, परमेश्वर नहीं जा रहा है। जब तक आप प्रचार नहीं करोगे, परमेश्वर प्रचार नहीं। जब तक आप बीमारों के ऊपर हाथ नहीं रखोगे, परमेश्वर हाथ, तो आज मेरे और आपके द्वारा वो काम कर रहा है। आपको समझ आ रही है? इसलिए बोलता है परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, कलीसिया का सिर है, पर हम उसके बॉडी है। सिर कुछ काम नहीं करता, वो लीड करेगा, पर काम कौन करेगा? दे, बॉडी काम करता है। तो ये मेरा हेड मुझे लीड कर रहा है, इधर जा, ये बोल वो बोल, पर काम कौन कर रहा है? मेरा शरीर। तो आप परमेश्वर के शरीर हो। परमेश्वर अधूरा है आपके बिना। यस, आमेन। उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो इंसान के साथ मिलके काम करे। वो आपको लीड करेगा, बेटा उसके पास जा, उसके लिए प्रेयर कर, कैंसर गायब हो जाएगा। बेटा उसके पास जा, सुसमाचार सुना, उसको मैं ठीक करूंगा। आमेन। लोग बुलाते हैं परमेश्वर के दासों को, तू किसको बुला रहे? परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर की महिमा जो उसके अंदर है वो लोगों के ऊपर मैनिफेस्ट हो। हालेलुया। आप जहां पर भी जा रहे हो, आप परमेश्वर को लेके जा रहे हो। इसे चुगलखोर के झुंडली में या क्या क्या होते ग्रुप्स में मत बैठो। आप खुदा हो, आप परमेश्वर को कैरी करते हो। उसको कैरी करके कहां मिले? जहां पे चुगली चल रही है। आजकल तो बादाम का सीजन है और चुगली करते रहो, ऐसा ना होना चाहिए। आपको समझ आ रही है? ऐसे छोड़ दे, चुगली छोड़ दे, बेकार संगति छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर को लेके चलते हो। आमेन। जो पवित्र परमेश्वर है वो चाहता है कि आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना, वो चाहता है आपके हाथों के द्वारा बड़े बड़े काम हो, वो चाहता है आपके द्वारा बड़े बड़े लोग बचे, उतार पाए। हालेलुया। हमारे पर एक ही मैंडेट है, गॉस्पल को प्रचार करना, यीशु के बारे में बताना, नरक को खाली करना, स्वर्ग को भरना। By the power of the Holy Spirit, कौन कौन रेडी है? कौन कौन रेडी है? अपनी आंखों के बंद करो। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य आज से आपके लाइफ में वर्क करेगा, कार्य करेगा। आपके शब्द के द्वारा चीजें बनेगी, आपके हाथ रखने के द्वारा बीमार चंगे होंगे, आजाद होंगे। In the mighty name of Jesus, pray करे, pray करे, pray करे। जाब्रा बोशा क्रादा जेरे, तेरा कांडो जहाँ क्रहा देहेजे, मांचीला रा बोशा ब्रादे जरारी करे, राका जरारी करे।